नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने फिर से एक बारी प्रस्तुत हूं हमज इसराइल की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। इजरायली सेना अब जमीनी स्तर पर हमले तेज कर रही है क्योंकि इस युद्ध को 40 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच इस युद्ध में जब उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं तो हमस के कई आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं और कई लोग मारे भी जा चुके हैं। गाजा के सिटी सेंटर पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है और आतंक का हेडक्वार्टर कहे जाने वाले अल शिफा अस्पताल पे भी उन्होंने घेर लिया है। पर इन सब के बावजूद इजरायली सेना खुश नहीं है। दरअसल उन्हें वो मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है जो वो चाहते हैं। IDF यानी इजरायल डिफेंस फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो भी मायूस है। और उनकी मायूसी का कारण क्या है? उनकी मायूसी का कारण है जो हमस का उसामा बिन लादिन कहे जाने वाला 7 अक्टूबर के दिन जिसने हमला करवाया था वो मास्टरमाइंड अभी पकड़ा नहीं गया है। जी हाँ दर्शकों, सिनवार वो शब्द है जो इजरायली सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है। वो उसे पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इजरायली सेना का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इस सिनवार को पकड़ना। पर ये सिनवार हाथ में नहीं आ रहा है। हालांकि 10 दिन पहले इजरायली सेना के रक्षा मंत्री ने ये दावा किया था कि उन्होंने उसे एक बंकर में घेर लिया है और अब जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। अभी भी उसके मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। दरअसल माना यह जाता है कि हमस ने जो गाजा में सुरंगें बनाई हैं वो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इस सुरंगों के जाल में सिनवार लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है और इसी वजह से जो इजरायली सेना है उसे परेशानी हो रही है। और कहा यह भी जाता है कि ये सुरंगें किसी किसी जगह इतनी गहरी है कि वहां तक इजरायली सेना का पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये जो सिनवार है इसे इतना जल्लाद और खूंखार बताया जाता है कि ये उस इंसान को उसी वक्त मार डालता है अगर उसे पता चलता है कि वो हमस से गद्दारी और इजराइल का साथ दे रहा है। बच्चों के सामने खुलेआम हथियारों की नुमाइश करता है। ये जो आतंकी है, इसको ये जो आतंक का आका है, इसे कई लोग कई कई नाम से बुलाते हैं। कई इसको बुलाते हैं ओसामा बिन लादिन, तो कोई इसे खान यूनुस का जल्लाद भी बुलाते हैं। इजरायली सेना जो है वो इसे आतंक का हिटलर बुलाती है। बात करें इसकी तो ये जो सिनवार है ये उसी वक्त गायब हो गया था जब इजरायली सेना ने पहली बार गाजा में अपने कदम रखे थे। अब बात करें इसके खूंखारपन की तो इससे पता चलता है कि ये जो सिनवार है ये कितना खूंखार है और कितना इसे अपनी मौत का डर है। और इसीलिए तो इजरायली सेना का रक्षा मंत्री खुद इसे बुज़दिल बुलाता है। इसी अपडेट के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।